आप कैसे भी वे यूज कर सकते हैं। और केवल साबूदाना, बुजुर्ग लोग तो केवल साबूदाना का अगर बना के खाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, आज हमारी फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम साबूदाना और मूंगफली के दानों से व्रत वाली नमकीन बनाकर दिखाएंगे। आप चाहें तो बाद में आप इसको काफी फ्लेवर से बना सकते हैं, तीखा बना सकते हैं। ये हमारे मूंगफली के दाने हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको रोस्ट कर लेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम से कम आप एक लाइक तो हमको दे ही सकते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप इतना कोशिश करके एक लाइक दे दिया कीजिए। आगे आप देखिए हमारे दाने रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें घी बड़े 2 चम्मच या आपके पास जिस मेजरमेंट से आप बनाना चाहते हैं, ज्यादा कम उस हिसाब से आप डाल दें। घी गर्म होने पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा घी हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे साबूदाना को, लेकिन इसकी फ्लेम तेज होनी चाहिए, तभी आपका साबूदाना जो है खिक करके आएगा इसे। और जब निकालें तो आप गैस को धीमा कर दें। अब दाने निकालने हैं तो आप गैस को इस तरीके से धीमा करके धीरे धीरे सब निकाल लीजिए। यदि आप साबूदाना धीमे फ्लेम पर डालेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको तेज फ्लेम पर ही डालना चाहिए। निकालते समय फ्लेम धीमी कर दें। ये देखिए आप जब आपका व्रत ना हो तो इसको आप रिफाइंड में बना लें और चटपटी चीजें डाल दें, चाट मसाला है, मिर्च है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये देखिए फिर इसको हम निकाल देंगे। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत आसानी से बनने वाली नमकीन है। आप मेवा भी डाल सकते हैं, मेवा ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालें। हल्का सा रोस्ट कर लें तो इसमें टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। देखिए हमने साबूदाना सारा निकाल दिया है भून करके। अब हम इसी में मूंगफली के दाने डालेंगे, सारे दाने इस तरीके से डाल देंगे जो हमने मेवा फ्राई किए हैं उसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें जो चीजें डालते हैं, आप देखिए ये हमारा सेंधा नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। ये मिर्च जो हमने रेडी की है, ये जो हम लोगों के घर में हरी मिर्च पड़ी पड़ी लाल होकर के सूख जाती है, हम व्रत में वही यूज करते हैं, उसी को कूट करके पीस लेते हैं और हरी मिर्च की जगह पे हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमको हरी मिर्च थोड़ा कम पसंद है, इसीलिए इसको डाल करके इसमें मिक्स कर दें। व्रत में आप उसी को यूज कर सकती हैं जो मिर्च सूख जाता है हमारे घर में। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप देखिए इसका कितना सुंदर रंग रूप है, और खाने में जब आप खाएंगे तो इतनी क्रिस्पी है कि कोई बुजुर्ग आदमी भी खा लेगा। और आप चाहें तो ये दाने जिसके दांत से नहीं कटते हैं, तो ये मूंगफली के दाने आप छोटे छोटे तोड़ के भी डाल सकती हैं। आपको घर में खानी है, आप कैसे भी यूज कर सकती हैं। और केवल साबूदाना, बुजुर्ग लोग तो केवल साबूदाना का अगर बना के खाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। आप बताइएगा कैसे बना है हमारा ये नमकीन।